इसराइल हमास जंग का आज छठवां दिन है। बुधवार को इसराइल सरकार ने जंग पर नजर रखने के लिए यूनिटी गवर्नमेंट ऑफ और 3 सदस्यीय वार कैबिनेट का गठन किया है। नई सरकार में विपक्षी पार्टी को भी शामिल किया गया है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री नेतन्याहू, विपक्षी नेता बेनी गेट्स और मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट भी शामिल है। दूसरी तरफ दुनिया भर से हजारों इजरायली जंग में शामिल होने के लिए अपने वतन वापस लौट रहे हैं। ग्रीस से लेकर न्यूयॉर्क तक एयरपोर्ट पर इजरायलियों की भीड़ है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेनानी रिजर्व सैनिकों की संख्या बढ़ाकर के 3.60 लाख कर दी है। इसीलिए इजरायलियों में घर वापस लौटने की होड़ मची है। बुधवार को इसराइल ने रात भर गाजा पर हमला किए हैं, जिसमें करीब 51 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में अभी तक तकरीबन 2,427 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1,300 इसराइली हैं और अब तक करीब 1,127 फिलिस्तीनियों की भी जान चली गई है।